आज 15 जून 2024 है, खूबसूरत दिन है। प्राग फोर पानक्रास का ये पार्क है, यहाँ पर आज ओपन एयर इंडियन फेस्टिवल है, तो मैं भी यहाँ आ गया हूँ देखने के लिए। कुछ खाएंगे पिएंगे और गाने करेंगे, डांस करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चलें आए, मैं आप लोगों को सारा ये फेस्टिवल मेला दिखाता हूँ। Yesha, although she was born in India, she's studying at Czech school, so she's completely fluent in her Czech language. Then we have our small Durva. Just see her, how tiny she is, and she's such a dedicated dancer. And then Ridhi, who is Yesha's sister, and she's also in Czech school. So they will be presenting Sri Ramachandra. ये जी बम्बई एक्सप्रेस का स्टॉल है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, समोसे, पकोड़े, बिरयानी और बहुत। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा फेस्टिवल, उसके बाद आऊँगा यहाँ पर कुछ खाने के लिए। ये जी देखें एक और स्टॉल, कुछ सूट्स वगैरह भी रखे हुए इंडिया से। ये इंडियन एम्बेसी का स्टॉल है, आगे चलते हैं। आस्था से मैं सबको आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह की जो है। स्विस मेडिकल, ये कोई स्टॉल लगा हुआ है, ये देखें जी। आगे चलते हैं सुबह के, ये जो है ना इनकी रेस्टोरेंट है जो डिलीवरी देते हैं पूरे प्राग में। गुड, यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है कि आप टेस्ट करें, उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जब चाहें आपका दिल करें। ये यहाँ पर मेहंदी लग रही है जी, हिना लग रही है यहाँ पर। जो यूरोपियन जो लोग हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ा पसंद करती हैं टैटू को। टैटू तो आपने एक दफ़ा लगाया है तो फिर वो बहुत अरसे तक यानी सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन हिना का ये है कि आपका 4-5 दिन रहा, उसके बाद जो है आपका शौक भी पूरा हो गया, उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाता है। ये देखें जी जी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है, जो भी अपना कल्चर है वो यहाँ पर है। वो मैंगो रखे हुए हैं, अच्छा ये लग रहे हैं गुजरात के मैंगो हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो जो है या मशहूर मैंगो जो है वो गुजरात का है मेरा ख्याल है, तो वो भी रखा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं ख़ासकर लेडीज़ के लिए। ये ड्रिंक्स वगैरह हैं इंडिया की, ज़बरदस्त है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा शो है। मतलब काफ़ी लोग जमा हुए हैं, इतने ज़्यादा लोग जमा करना, और ये थोड़ा बिल्कुल सेंटर से थोड़ा हट कर है। एक और फेस्टिवल भी होता है, वो भी इंडियन ओपन एयर होता है, वो सिटी के अंदर होता है एंजल में, वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि वहाँ पर से गुजरने का रास्ता भी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें तो ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन ये शहर से बाहर एक पार्क में है, तो आपको जो है ना स्पेशल आना पड़ता है गाड़ी में या मेट्रो में, फिर उसके बाद बस में यहाँ पर आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई हमारे शाहिद भाई, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। शाहिद भाई क्या क्या लगाया हुआ है अपने यहाँ पर? बस अच्छा जा रहा है, अभी ट्राई कर रहे हैं, हम एडवर्टाइज के लिए आए हैं हम लोग अपनी कंपनी के लिए। तो अपने प्राइस कम रखे हुए हैं बाकियों से? कम किए हुए हैं, बल्कि हम लोगों ने सेल लगाई हुई है, यहाँ पे कोड है हमारा, वो जो लोग यहाँ से कोड डालेंगे तो उनको 15-20% का डिस्काउंट है। बहुत अच्छी बात, आप रजिस्टर करवाएंगे तो मेन एडवर्टाइजिंग के लिए हम आए हैं, हम आपको दिखाते हैं कोड। And a rocking and energetic performance. ये हमारा है स्पेशल, और यहाँ पे ये कोड है, जो भी इसके रजिस्टर करेगा वो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ आज के लिए या आगे भी चलता? अभी जो भी रजिस्टर करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, अभी जो रजिस्टर करेगा ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तकरीबन पूरा महीना, ये जो 1 मंथ तक ये रनिंग रहेगा, जो भी रजिस्टर करेगा उसको डिस्काउंट आएगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ओके सर, थैंक यू। नमस्कार, ब्रीदेन, क्या है आप लोगों के पास? चिकन बिरयानी, ओह नाइस, वेजिटेबल बिरयानी, नाइस, एंड हियर एग फ्राई। Okay, the price is here written. 100, yes, okay, thank you. 135 and X is 20. Thank you very much. Also, we have mixed pickle chutney, garlic chutney. Oh, good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar. 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 Namaskar.
बहुत धन्यवाद स्वामी जी, एक छोटी सी भेंट आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह यार वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। होली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है यार, मैं इतना खुश हूँ कि मैं यूरोप आ गया हूँ, यहाँ पे होली का त्यौहार भी मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। डायरेक्ट अपने पाकिस्तान में मैं नहीं कर सकता, या मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी है, जिंदा के वहाँ फ़र्क है, वो अपने इंडोर करते हैं और हम वहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ पर सब मिलकर खेल रहे हैं, इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा फेस्टिवल है यार। ये हमारे इलाके का, मंजोदारों का, दरिया सिंध का, उसी इलाके का ये त्यौहार है और हम इसको नहीं मना सकते यार। वाह वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत अच्छा लगा और मैं अगले साल भी इस फेस्टिवल में आऊँगा, ये सेलिब्रेट करूँगा। Thank you so much guys, Balesh for you, a token from Bharat Sangh. Okay.